दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुना जिले के चार ऐसे गांव, यहां पर आज तक किसी न्यूज चैनल का कैमरा नहीं पहुंच पाया। सिटी चैनल की स्पेशल कवरेज में देखिए मकसूदनगढ़ सहयोगी टॉनी शाह के साथ ये खास रिपोर्ट। ना सड़क है, ना मोबाइलों में नेटवर्क है, ना स्कूल है और ना आंगनबाड़ी। हैरानी की बात तो ये है कि मोबाइलों में नेटवर्क भी नहीं है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सागोड़ी गांव, पीपले पानी मंजरा, राम टेकरी कोटरा गांव का हाल बेहाल है। यहां पर विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इन चार गांव में पहुंचने के लिए ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही रास्ता है। सिर्फ पथरीली पगडंडियों के सहारे ही आप इन गाँव में पहुँच सकते हो। कृषकों के लिए आज डीएपी खाद का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देश अनुसार किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आज डीएपी खाद का वितरण किया गया। किसानों की डीएपी खाद की अधिक मांग एवं हमालों की उपलब्धता को देखते हुए आज 7 नवंबर को डीएपी खाद का वितरण का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में आज जिन कृषकों को 9 नवंबर तक के टोकन जारी किए गए थे, उन्हें डीएपी उर्वरक वितरण किया गया। गुना जिले के बूढ़ेवाला जी हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी दीपावली के बाद अन्नकूट प्रसाद भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गुना जिले के सिरसी इलाके में दिवाली के त्योहार पर एक परिवार को गांव से अलग कर दिया गया। यहां तक कि कुछ लोगों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। उस पर आरोप था कि उसने गाय को मारा है। यहां तक कि महिलाओं तक से मारपीट की गई। मारपीट के बाद पूरे परिवार को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा गया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों पर मामला दर्ज किया है। सिरसी इलाके के पालपुर गांव में मन्ना वारेला अपने परिवार के साथ रहते हैं। दिवाली के त्योहार के दिन गांव के परिवार ने मिलकर उन्हें गांव से अलग कर दिया। उन्हें किसी आयोजन में शामिल नहीं होने दिया गया। इसी बात को लेकर मन्ना गांव के पटेल पैमा वंजारा के घर गया। मन्ना ने पटेल से कहा कि उसने कौन सी गाय मार दी है जो उसके परिवार को त्योहार पर गांव से अलग कर दिया है। पटेल ने कहा कि तुम लोग गांव से चले जाओ। इस पर मन्ना ने कहा हम क्यों जाएं? यह बोलकर वे पटेल के घर से जाने लगा। इसी दौरान शिवलाल व श्याम आ गए और उन्होंने मन्ना को रास्ते में रोक लिया। उससे कहने लगे कि तुम्हें गांव से जाना ही पड़ेगा और गालियां देना शुरू कर दी। मन्ना वहां से किसी तरह भागकर अपने घर आ गया। उसका चिल्लाना सुनकर उसके लड़के बाबू दयाराम, हरिनाथिन, लीलाबाई, उमा, बहू शंताबाई घर के बाहर आ गई। इतने में ही वहां पर वीरा और रत्ना शिवलाल श्याम आ गए। वीरा ने मन्ना की लात घूसों से पिटाई कर दी, इससे उसके सिर पर चोट आ गई। उसे बचाने उसकी नातिन और बहू आई तो शिवलाल ने लीला को पत्थर उठाकर मार दिया। राजू ने डंडे से उमा की मारपीट कर दी। आज 7 नवंबर रविवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 10वां जिला सम्मेलन हनुमान चौराहे के पास स्थित होटल सम्राट में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता महेश सैनी, पूजा कोरी के अध्यक्ष मंडल द्वारा की गई। सम्मेलन के पूर्व झंडा वंदन डॉक्टर विष्णु शर्मा ने किया तथा उपस्थिति सभी प्रतिनिधियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। प्ली बार्गेनिंग एवं बंदियों के अधिकार के संबंध में दी गई जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में चलाए जा रहे अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा जिला जेल गुना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोनाधार सिंह मामले में दंडित बंदियों के लिए सजा माफी संबंधित निर्देशों के बारे में जानकारी दी तथा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा विचाराधीन बंदियों के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया। साथ ही बंदियों से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य मामलों को निराकृत कराने की अपील की गई।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत सामाजिक उत्थान मंच कंचनपुरा गुना पर आयोजित किया विधिक साक्षरता शिविर एवं दीपावली मिलन समारोह। विधिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक उत्थान मंच में सहयोग कर रहे स्वयं सेवियों का सम्मान भी किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अंतर्गत आज 7 नवंबर को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ेवाला जी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बोलते हुए डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि 35% से अधिक कैंसर वरिष्ठ वच्छादानी एवं मुंह के ही होते हैं, जो कि साधारण से टेस्ट से पहचान में पहले से ही आ जाते हैं एवं इनका जितनी जल्दी निदान होकर उपचार हो जाए 100% सफलता मिलकर ठीक हो जाते हैं। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी गई चेतावनी, मुझ पर दर्ज झूठे मुकदमे का हल नहीं हुआ तो TI जगताप जिम्मेदार होंगे। दीपावली की रात मुंशीपुरा में भाजपा नेता सूर्यकांत जगताप के घर पर हुए पथराव के मामले में दर्ज हुए एक प्रकरण में नया मामले के एक आरोपी संदीप सोलंकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर चेतावनी दी है। उसमें उसने कहा है कि मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर 2 दिन में इसका निराकरण नहीं हुआ तो आगे की स्थितियों के लिए KNTI और जगताप सिंह जिम्मेदार होंगे। वहीं इस मामले में KNTI अवनीश शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से बदमाशों में खौफ है, यही वजह है कि अब वे गिड़गिड़ा रहे हैं, गलत कार्रवाई हुई है तो परीक्षण करा लेंगे। FIR में नाम आते ही दी चेतावनी। इस मामले में आरोपी संदीप सोलंकी ने भोपाल के एक निजी अस्पताल के सामने खड़े होकर वीडियो बनाया। इसमें कहा कि परिवार सहित भोपाल में है, जगताप सिंह से मेरी दुश्मनी है, इसलिए झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। 2 दिन में अगर जाँच कर निराकरण नहीं हुआ तो आगे की स्थितियों के लिए TI और जगताप जिम्मेदार होंगे। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेता पर ही निशाना साधा है। एक बार उनके निशाने पर कांग्रेस, इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी द्वारा भाई दूज पर किए गए ट्वीट पर लक्ष्मण सिंह ने कटाक्ष करते हुए लिखा, भेंट का समय दीजिए, मिलता ही नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी ने भाई दूज के अवसर पर बधाई देते हुए ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर में राहुल गांधी कई मेडल पहने हुए नजर आ रहे थे। प्रियंका ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, मुझे गर्व है और खुशी है कि मेरे भाई करुणा प्रेम और साहस के साथ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तस्वीर उस समय की है जब मेरे भाई ने निशानेबाजी की प्रतियोगिता में ढेर सारे मेडल जीते थे। पूर्व CM दिग्विजय सिंह के भाई और गुना की चाचौड़ा सीट से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह ने इसी ट्वीट पर कमेंट किया कि कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि बहुत खूब, हम भी निशानेबाज रहे हैं, स्कूल में मेडल जीता था, भेंट का समय दीजिए, मिलता ही नहीं है। ढाबे पर अड़ीबाजी करने वाले शातिर बदमाशों को मात्र 15 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा दोस्त को ढाबे पर बुलाकर शराब पीने के लिए मांगे गए थे पैसे, नहीं देने पर पिस्टल चाकू अड़ाकर की गई थी मारपीट। अड़ीबाजी करने वाले 5 बदमाश भोपाल के तो एक गुना का है निवासी। दिनांक 4-5 अक्टूबर की रात्रि में गादर स्थित ढाबे पर अड़ीबाजी करने वाले 6 आरोपियों को एक पिस्टल व एक चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा घटना में प्रयोग की गई फॉक्स वेगन बेंटो कार क्रमांक MP04CH7866 को भी बरामद कर लिया गया है। घर घर जाकर किया जा रहा है कोविड टीकाकरण कार्य। कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देश अनुसार अनिवार्यता कोविड वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों के क्रम में जिन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज पूर्ण हो गई है एवं द्वितीय डोज लगना शेष है, ऐसे नागरिकों का वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर कोविड टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद आरुण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर कोविड वैक्सीनेशन कार्य किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बनकर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार द्वितीय डोज के शेष रह गए नागरिकों का घर घर जाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 8 नवंबर 2021 को विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन श्री राम टेकरी बीच वाला पहाड़ पूरा पोषण गुना दोपहर 2 बजे से किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु धर्म लाभ उठाएं।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ग्राम धीनाखेड़ी में सत्संग कार्यक्रम किया। गुना तहसील मकसूदनगढ़ ग्राम धीनाखेड़ी में आज रविवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने LED के माध्यम से एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामवासियों ने सत्संग का लाभ उठाया। पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुना जिले के चार ऐसे गांव। यहां पर आज तक किसी न्यूज चैनल का कैमरा नहीं पहुंच पाया। सिटी चैनल की स्पेशल कवरेज में देखिए मकसूदनगढ़ सहयोगी टॉनी शाह के साथ ये खास रिपोर्ट। ना सड़क है, ना मोबाइलों में नेटवर्क है, ना स्कूल है और ना आंगनबाड़ी। हैरानी की बात तो ये है कि मोबाइलों में नेटवर्क भी नहीं है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सागोड़ी गांव, पीपले पानी मंजरा, राम टेकरी कोटरा गांव का हाल बेहाल है। यहां पर विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इन चार गांव में पहुंचने के लिए ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही रास्ता है। सिर्फ पथरीली पगडंडियों के सहारे ही आप इन गाँव में पहुँच सकते हो। गांव वालों ने बताया कि गांव में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, इस कारण गांव के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम और आगे बढ़े तो राम टेकरी गांव के लोगों ने बताया कि नाले के पानी को रोक रखा है और उसी पानी को पीते हैं और उपयोग करते हैं। गाँव में हैडपम्प भी नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, पर इन चार गांवों का भविष्य आज भी अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है, यह हैरानी की बात है। ना रास्ता है, ना स्कूल है, ना आंगनवाड़ी है। हैरानी की बात तो यह है कि मोबाइलों में नेटवर्क भी नहीं है। अब कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। सभी बात की समस्या, नाले का पानी उपयोग करते हैं, ना कुटी वगैरह, रास्ता कुछ भी नहीं है, ना स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं। हमें सभी बात की परेशानी है। बच्चे मच्छे कुछ नहीं पढ़ते हैं, स्कूल नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे। मोबाइलों में नेटवर्क वगैरह आते हैं? मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं आते हैं यहाँ। यहाँ एक तो स्कूल नहीं है, हेडपम्प नहीं है, रोड नहीं है, कोई कुटी नहीं है साहब। तो पानी की क्या दिक्कत आती है, पानी कहाँ से पीते हो? ये नाले में से रोड भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वो नाले का पानी पीता है, ये नालो भी रहे हो नहीं, इसका पानी पीते हैं हम लोग। दादा आपका नाम? अमर सिंह। कौन से गांव के हो? रामटेक के। तो यहाँ पे क्या कुछ समस्या है गांव में? समस्या साहब, हम ये कच्चा में पानी पीते हैं ना। और क्या दिक्कत आती है? और हेडपम्प नहीं है, रोड की दिक्कत है हमें, और रास्ता नहीं है। स्कूल वगैरह है गाँव में? नहीं है। तो कोई बच्चे वगैरह पढ़ने नहीं जाते? नहीं जाते। आंगनवाड़ी है के नहीं? नहीं है। नहीं है, नहीं तो रोड है, नहीं कुटिया। आंगनवाड़ी है के नहीं? नहीं है। नहीं है, नहीं तो रोड है, नहीं कुटिया आ रही, नहीं बच्चे बच्ची का पढ़ावा, नहीं स्कूल है। आंगनवाड़ी कोई नहीं है। मोबाइलों में नेटवर्क है यहाँ? नहीं, मैं नदी को पानी पी दिया। मेरा नाम भारत सिंह बील है, रामटेक कोटरा का रहने वाला हूँ। यहाँ समस्या यह है, ना तो स्कूल है, ना रोड है, और बरसात में कोई बीमार हो जाता है उसे झोली पटक के बाजार ले जाता है, जामनेर या लटेरी कहीं भी जाता है, या उसका इलाज करा पाते है। तो समस्या रोड की तो इतनी ज्यादा है, स्कूल की रोड की अति ज्यादा। गांव में स्कूल है या नहीं? नहीं है। कौन कौन से गांव लगते हैं इसमें? रामटेक लगता है, रामटेक कोटरा, टुकरावदा, पीपली पानी। तो गाँव के बच्चे नहीं पढ़ पाते? ये स्कूल ही नहीं, पर पढ़ने का जाएगा। वोट लेने के लिए तो जल्दी आ जाता कि यो करवाएंगे, हेडपम्प लगवाएंगे, तो रोड करवाएंगे, तो DP रखवाएंगे, तो फलानो करवाएंगे, जो करवाएंगे। आज तक कुछ नहीं किया? आज तक आते ही नहीं, वोट के लिए तो जाते पर लेकिन वैसे नहीं आते। भाई परेशानी आ रही, नहीं आ रही इन लोगों ने। हम कमरलाल भील है, ये समस्या है, यहाँ तो रोड है ही नहीं, ना स्कूल है, यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाओगे। कोई सी डिलीवरी हुई तो उसे भी मरना ही पड़ेगा, बचना नहीं। कोई साधन नहीं आते, कोई गाड़ी नहीं आए, यहाँ से कैसे ले जाएंगे हम? खंदे पे डाड़ी पे बांध के झोला में टांग के ले जाता है झोली में, जब तो हम रोड पे पहुंचते हैं। जब गाड़ी वाले भी आएंगे बेचारा, इंजन आप आगे
कितने गांव बसे हुए हैं इस क्षेत्र में? ये गांव में ठुकरावदा के पिपरी पानी सोलह को कोटड़ा और रामटेक कोई समस्या नहीं, ना तो हेडपम्प है ना रोड है बिल्कुल ना स्कूल है यहाँ से, ये मान लो बहुत समस्या में फंस रहे हम। मेरा नाम अंशुल वील है, यहाँ पर कोई रोड नहीं है और यहाँ पर कोई स्कूल मुस्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। मेरा नाम देवराज वील है और हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। आज इस खबर में इतना ही, मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, प्ली बार्गेनिंग एवं बंदियों के अधिकार के संबंध में दी गई जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में चलाए जा रहे अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा जिला जेल गुना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वर्णधार सिंह मामले में दंडित बंदियों के लिए सजा माफी संबंधित निर्देशों के बारे में जानकारी दी तथा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा विचाराधीन बंदियों के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया। साथ ही बंदियों से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य मामलों को निराकृत कराने की अपील की गयी। और समस्या सुनने के साथ साथ उन समस्याओं का अनुपालन कितना हो रहा है उसको भी फोकस करता हूँ मैं वहाँ जाके कि वास्तव में उनका कुछ हो रहा है या जैसे मुलाकात उनसे भी हुई थी। एक इनका तो वो था, मैंने आते ही ये डॉक्यूमेंट उन्हीं के बारे में मेरे पास आ नहीं पाए थे तो मैंने तत्काल लिए और उनका कहा कि पैरोल के लिए कलेक्टर के साथ भेज दिया। कृषकों के लिए आज डीएपी खाद का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देश अनुसार किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आज डीएपी खाद का वितरण किया गया। किसानों की डीएपी खाद की अधिक मांग एवं हमालों की उपलब्धता को देखते हुए आज 7 नवंबर को डीएपी खाद का वितरण का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में आज जिन कृषकों को 9 नवंबर तक के टोकन जारी किए गए थे उन्हें डीएपी उर्वरक वितरण किया गया। गुना जिले के बूढ़ेवाला जी हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के बाद अन्नकूट प्रसाद भंडारा लगाया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत सामाजिक उत्थान मंच कंचनपुरा गुना पर आयोजित किया विधिक साक्षरता शिविर एवं दीपावली मिलन समारोह। विधिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक उत्थान मंच में सहयोग कर रहे स्वयं सेवियों का सम्मान भी किया। जो लोगों को आर्थिक सहायता देती है अथवा उनको विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम लोगों का एक महीने से लगभग अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जैसा कि दीपक जी ने बताया। कई बार क्या होता है शासन ने बहुत सारी योजनाएं चालू तो कर दी हैं और शासन भी उनके बड़े बड़े आकार